साथियों नमस्कार, मैं मूर्ति कुबेर बिजनेस में आपका साथी। आप सभी को होली बहुत बहुत मुबारक हो और साथ ही जो है वुमेंस डे, वर्ल्ड वुमेंस डे भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जो हमारे महिलाएं हैं, कुबेर परिवार की महिलाएं हैं, उनको विशेषकर वुमेंस डे की बहुत बहुत बधाइयां। तो साथियों, आगे एमडी साहब के कुछ विचार मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ अपनी आवाज़ में, सुनिएगा ध्यान से। कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो अभी, वेबसाइट जो है वो अभी बंद है। इसका कारण उन्होंने बहुत सा बतलाया है। पहला कारण उन्होंने बतलाया कि वो को जो है अभी पूरे दुनिया में ग्लोबल किया जा रहा है और इस ग्लोबलाइजेशन प्रक्रिया में जो सॉफ्टवेयर है उसको अपलोड किया जा रहा है और इसके लिए बहुत समय लग रहा है, इसलिए जो है समय की कमी के कारण वेबसाइट को बंद करना पड़ा। और फिर वो कुछ देर में शुरू हो जाएगा उन्होंने कहा है, और कुछ अधिक समय ले रहा है उस सॉफ्टवेयर को अपलोड करने के लिए, ग्लोबलाइजेशन सॉफ्टवेयर को अपलोड करने के लिए समय ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि अभी जैसे हमारे भारत में SVKB AP SVKB TS SVKB CG है ना, तो SVKB जो है ये कॉमन कोड बनाया गया है हर किसी क्यूबा के भारतीय परिवार के लिए, सदस्य के लिए। इसी प्रकार से जो है अभी पूरे दुनिया में, जब पूरे ग्लोबल में जब हमारा बिजनेस पहुंचेगा, तो वहां के लिए भी एक यूनिक कोड बनाया जा रहा है ताकि लोगों को लगे कि भाई सारे लोग जो हैं कुबेर परिवार के सदस्य हैं और कुबेर परिवार के बिजनेस में ही वो जुटे हुए हैं। तो यहाँ पे बात उठती है अनेकता में एकता की बात। तो वो जो कोड दिया जाएगा उस कोड के लिए ही हम अभी सॉफ्टवेयर जो है अपलोड कर रहे हैं, और उस कोड में जो है एक बहुत ही अनोखा तरह का कोड दिया जाएगा। उस कोड के द्वारा जो है दुनिया में, पूरी दुनिया में हर कोई व्यक्ति जो है कि वो के परिवार के सदस्य कहलाया जाएगा और उसको लगे कि हम सब एकजुट हैं, एक साथ हैं, सारे परिवार के सदस्य एक साथ हैं, ऐसा एक मन प्रतीत होगा। और उस कोड को जो है हम जब खोलेंगे तो उसमें मालूम होगा कि जिसको वो कोड अलॉट किया गया है वह सदस्य जो है कितने तरह के प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा है, कितने प्रोजेक्ट्स में उसने मेंबरशिप ले रखा है और कितने प्रोजेक्ट्स में जो है वो आगे बढ़ रहा है। और उन्होंने कहा है कि हमारा जो किबो बिजनेस है दुनिया का एक बेहतरीन बिजनेस है, एक अनोखा बिजनेस है, और इसकी जो रूपरेखा है, इसका जो गुण है या इसका जो कह लीजिए विशेषताएं हैं, वो किसी भी क्रिप्टो करेंसी के से मेल नहीं खाता है। वो इसलिए कि आज तक जो है किसी भी क्रिप्टो करेंसी के होल्डर को जो है खाता नंबर नहीं दिया गया है, लेकिन हमने किबो क्रिप्टो करेंसी में एक खाता नंबर दिया है SVKB AP CG के नाम से। और उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया में सेलेबल कॉइन्स और स्टेकेबल कॉइन्स कहीं पर भी आपको नहीं मिलेंगे जो किबो में आपको उपलब्ध है। शुरू में साथियों एमडी साहब ने कहा है कि ये स्टेकेबल कॉइन्स को, सेलेबल कॉइन्स को लोगों ने बहुत ही मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि ये कैसा पागल एमडी है, कैसा पागल व्यक्ति है कि ये सारे इस तरह के कॉइन्स को पैदा करके, क्रिएट करके लोगों को मूर्ख बना रहा है, लोगों का पैसा गबन कर रहा है, लोगों का पैसा लूट रहा है। मगर
एमडी साहब ने उन बातों को नकार दिया, नज़रअंदाज कर दिया, और आज जो है उनके अपने काम का जो सफलता है हर किसी भारतीय को पता है, हर किसी परिवार के सदस्य को पता है कि किस प्रकार से जो है कि वो जो है सफलता को एकदम चूम चुका है और आगे बढ़ते जा रहा है। साथ ही यहाँ ध्यान देने वाली बात एक और है कि जैसे ही कोई क्रिप्टो लॉन्च होता है दुनिया में तो सबसे पहले पूरे दुनिया में लॉन्च जाता है, हर देश में जो है उसका माइनिंग होता है, हर देश में जो है उसका प्रचार प्रसार होता है, लेकिन हमारे किबो जो है बहुत ही अनोखे तरह से इसका प्रचार प्रसार हुआ, इसका जो है प्रादुर्भाव हुआ है, इसका प्रारंभ हुआ है। हमारे एमडी साहब कहते हैं कि वो दिन उनको अच्छी तरह याद है जब उन्होंने पहले आदमी को ज्वाइन किया था बहुत ही सुदूर क्षेत्र में, हरिजन क्षेत्र में जाके जहाँ भील आदिवासी रहते हैं वहाँ जाकर उन्होंने पहला आईडी जो है क्रिप्टो में लगवाया था 250 रुपये देकर। वहाँ पे लोगों ने पहले तो बहुत हंसा, उसके बाद एमडी साहब जो हैं कार में गए थे, वहीं रह गए रात भर, और सुबह उन्होंने फिर से मुलाकात किया, लोगों ने उनसे मुलाकात किया और फिर वहाँ पे जो बिजनेस शुरू हुआ। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि एमडी साहब जो हैं क्रिप्टो की परिभाषा, क्रिप्टो की बोली न जानने वालों के पास से जो है ये क्रिप्टो बिजनेस को उन्होंने शुरू किया है, और आज की तारीख में हर गरीब को, हर उस पैसे से गरीब आदमी को, हर नीचे तबके के आदमी को क्रिप्टो क्या है इसका जो है उन्होंने, इस चीज़ का जो है अनुभव कराया है क्रिप्टो ने। क्योंकि आज तक क्रिप्टो करेंसी का जो अनुभव रहा, जो भी माने बिजनेस रहा, वो सिर्फ शहर तक सीमित रहा, पढ़े लिखे लोगों के पास सीमित रहा, अमीरों के पास सीमित रहा, और कुछ जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास सीमित रहा। लेकिन क्रिप्टो ने जो है एक नया अध्याय शुरू किया है, और उसने जो है गरीब से गरीब तबके के व्यक्ति को भी ये जता दिया है कि क्रिप्टो के द्वारा वो अमीर बन सकता है और एक शहरी बापू बन सकता है। तो साथियों, क्रिप्टो ने जो कमाल दिखाया है पिछले 16 महीने में वो एक इतिहास है, और इस इतिहास को जो है हम लोग दोहराने जा रहे हैं, और एक नया इतिहास पहले ही लिख चुका है, एक इतिहास में एक नया अध्याय जो है वो हम लिखने जा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन में, पूरी दुनिया में इसको फैलाकर। उन्होंने ये भी कहा है कि क्रिप्टो का जो माइनिंग है वो पहली बार दुनिया में हमने किया है फ्री माइनिंग, जबकि पूरी दुनिया में जो है लोग या इन्वेस्टर कह लीजिए, जो बिजनेसमैन कह लीजिए, जो क्रिप्टो धारक कह लीजिए, वो बड़े बड़े मशीन लगा के, बड़े बड़े बिजली खर्चा करके वो क्रिप्टो का माइनिंग करते हैं, लेकिन हमने फ्री माइनिंग किया है, रेफरल माइनिंग किया है, और इसमें बिना किसी खर्चे के जो हमने इसको आगे बढ़ाया है। तो साथियों, क्रिप्टो जो है एक बहुत ही अनोखा, क्रिप्टो जो है एक बहुत ही अनोखा चीज़ बन चुका है, और सारी दुनिया जो है इसके ऊपर नज़र लगाए हुए है कि कब ये ग्लोबलाइजेज हो जाए और दुनिया में लोग इसको अपने पास खरीद के रखें। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने दो तरह के एक्सचेंज बनाया था, क्रिप्टो एक्सचेंज और के एक्सचेंज। क्रिप्टो एक्सचेंज जो है वो तो आप जानते ही हैं, हमारे डैशबोर्ड में है, और के एक्सचेंज जो ट्रेडिंग एक्सचेंज है वो भी जानते हैं आप, और उसमें जो है किस प्रकार से
INR में बिजनेस करने की सुविधा है, वो भी आप जानते हैं, समझ गए हैं। अभी उन्होंने कहा है कि एक ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड के एक्सचेंज का निर्माण कर रहे हैं जो आपको लगेगा कि आपने अपना जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो आपके ब्रीफकेस में रखा हुआ है। इस प्रकार का अनुभव होगा, इस प्रकार का डिजाइन किया गया है, इस प्रकार का सॉफ्टवेयर क्या है उसमें लोड किया गया है। तो साथियों आइए, और भी समाचार मैं आपको सुनाऊंगा अगले वॉइस मैसेज में, ठीक है। साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि हमारा कि वो बिजनेस जो है बिल्कुल ही लेटेस्ट और आधुनिक पद्धति में, अपडेटेड पद्धति में जो है वो आगे बढ़ रहा है। उस पद्धति के अनुसार जो है सॉफ्टवेयर को अपलोड कर रहे हैं और जो भी मार्केट में उपलब्ध है, जो जनता को चाहिए, जो सिस्टम है वो बिल्कुल अपडेटेड और लेटेस्ट सिस्टम में जो है कि वो आगे लेके जा रहे हैं। और हमने जो है अपने क्वाइन को या कि वो बिजनेस को ग्लोबलाइज करने के पहले एक कम्युनिटी बनाया है, हमने 3 करोड़+ का कम्युनिटी हमने बनाया है, ताकि हमारा जो कि वो बिजनेस जो है जब दुनिया में फैलेगा, दुनिया के लोगों के पास जाएगा, तो वो समझे कि भाई इस कि वो बिजनेस के पीछे लगभग जो है 3 करोड़+ लोगों का भागीदारी है, 3 करोड़+ लोगों का जो है यहाँ पे फाउंडर मेंबर्स हैं ये, और ये बहुत बड़ा बिजनेस है और बहुत बड़ा ये इसका जो है दुनिया है। तो ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक कि पहले कम्युनिटी बना हो उसके बाद जो है किसी भी क्रिप्टो कॉइन का जो है प्रचार प्रसार हुआ हो दुनिया में। पहला कि वो क्रिप्टो कॉइन है जो पहले कम्युनिटी बनाया है, उसके बाद जो है दुनिया में फैलने जा रहा है। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा है कि वो क्रिप्टो कॉइन जो है वो उसके जो हम स्टॉकिस्ट होंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी क्रिप्टो कॉइन को जो है दुनिया में फैलाने के पहले हम भारतीय जो उसके स्टॉकिस्ट रहे हैं। तो हमें यह बहुत बड़े गर्व की बात है कि हम उसके स्टॉकिस्ट हैं, और दुनिया जो है हमसे खरीदेगी, और हम अगर हम बेचेंगे तो वो खरीद पाएगी दुनिया के लोग जो हैं। तो बड़े गर्व की बात है कि हमने अनपढ़ से लेकर पढ़ तक जो है अपने क्यूबो क्रिप्टो कॉइन को फैलाया है, और अब जो है हम दुनिया भर में अपने बिजनेस को, अपने क्रिप्टो कॉइन को जो है फैलाने जा रहे हैं बहुत ही जल्द। साथियों एमडी साहब के विचार बहुत ही जानने लायक हैं, सुनने लायक हैं और अनुभव करने लायक हैं। उन्होंने यही कहा है कि इतिहास गवाह है, हर नेटवर्कर का जीवन का इतिहास गवाह है कि उसने कितना खोया और कितना पाया। आज तक दुनिया में जो है लोगों से हम जब पूछते हैं कि भी आप क्या करते हैं, तो कहते हैं कि बैंक में नौकरी करता हूँ, लिस्ट में नौकरी करता हूँ, ऑटो चलाता हूँ, या कुली काम करता हूँ, या फिर जो भी करता हूँ, तो बड़ा रिस्पेक्ट मिलता है, इज्जत मिलता है उसको समाज में। लेकिन किसी नेटवर्कर को जो है आज तक वो इज्जत नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए। कारण ये है कि एक अविश्वास का वातावरण बना हुआ था नेटवर्किंग में, अभी भी बना हुआ है कि लीडर सोचता है जो पहले उसमें आ जाएं और जितना कमाना कमा लें और फिर अपने उसको छोड़ दें, और उसी प्रकार से उस कंपनी का मालिक सोचता है कि जल्दी से जल्दी जो है लोगों को शामिल कर लें इसमें और पैसा कमा लें और उसके बाद कंपनी को बंद कर दें। इसी प्रकार का वातावरण जो है हमारे भारत में चला हुआ है, हमारे दुनिया में चला हुआ है, और इससे जो है नेटवर्कर की इज्जत जो है, नेटवर्क
का बिजनेस जो है वो बदनाम हो गया है। नेटवर्कर का जो जिंदगी है लगभग जो है बर्बाद हो गया है, और वो आज भी जो है लगभग जो है दर बदर भटक रहा है। वरना मानने ये बात सही है, कहीं कहीं अपवाद हो सकता है, मगर साथियों किवो का इतिहास जो है वो गवाह है कि हमारे एमडी साहब के 12 साल का जो रात दिन एक करके मेहनत करने का जो फल है वो आज उसके उनके सामने दिखाई दे रहा है। जनता को उसका भागीदार होने का मौका मिला है। किवो ने एक इतिहास बनाया है, किवो ने जो है हर किसी व्यक्ति को जो है इज्जत से और गर्व से जो है सर उठाने का मौका दिया है। हर किसी को जो है अपने बीवी बच्चों का देखरेख करने का मौका दिया है। हर किसी को जो है आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी तक किवो के द्वारा जिंदगी बनाए जाने के लिए या पैसे कमाने का एक साधन जो है वो उपलब्ध करवाया है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा कि किवो जो है एक नई दुनिया है, दुनिया में एक नया इतिहास है, और आज भी जो है किवो के द्वारा हर व्यक्ति जो है गर्व से आगे बढ़ सकता है, बढ़ रहा है और बढ़ चुका है। यह समझ कर कि उसकी पीढ़ी, उसके बाद की पीढ़ी, उसके बाद की पीढ़ी, उसके बाद की पीढ़ी जो है वो इसमें हमेशा ही आनंदित रहेगी और हमेशा ही इसको जो है अपने कमाने के जरिया जो है बना के रह सकती है। क्योंकि देखिए आप कहीं भी देख लीजिए, किसी भी नौकरी का कर लीजिए, वहाँ पे आपके बाद का जो है पीढ़ी आपके वारिस बनना मुश्किल है, आपके नौकरी का वारिस बनना मुश्किल है, या फिर किसी भी क्षेत्र में जहाँ हम कमाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उस क्षेत्र का जो वारिस हमारा बेटा होगा, बेटी होगी, हमारे आने वाली पीढ़ी होगी, ऐसा कहीं भर भी गारंटी नहीं है। लेकिन किवो में जो है एमडी साहब कहते हैं कि आप निडर होकर आगे बढ़िए, बेधड़क आगे बढ़िए, पूरे विश्वास से आगे बढ़िए, और हमेशा ही ये एक बात का ध्यान रखिए कि ये किवो जो है आने वाले हर पीढ़ी के लिए एक जीने का साधन बनेगा, कमाई का साधन बनेगा, और हर किसी को जो है ये एक अच्छा ऊंचे स्तर का जीवन प्रदान करेगा। साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि पीयरलेस एक जो इंश्योरेंस प्रोजेक्ट था वो 1925 में शुरू हुआ था, राय चौधरी ने शुरू किया था, लेकिन आज जो है कहीं पर भी किसी भी गली में या किसी भी घर में वो पीयरलेस जो है नहीं दिखता है, ख़त्म हो चुका है, टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ चुका है और कहीं पर भी उसका नामो निशान नहीं है। तो जिसको उस समय कहते थे कि बहुत बढ़िया बिजनेस है और ये जो है इसमें जो है लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आने वाले पीढ़ी के लिए अगर आप चाहें तो उस बिजनेस को जो है आप नहीं दे पा सकते हैं। आपका बेटा या आपकी बेटी या आपकी पत्नी या फिर आपका अगला पीढ़ी जो है उसका वारिस नहीं बन सकता। इसी प्रकार से LIC भी जो एक ऐसा है कि वहाँ पे आप अपने बिजनेस को जो है आप अपनी पीढ़ी अगली पीढ़ी को आप सौंप नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका भी कोई वारिस नहीं है, वारिस बनने का वहाँ कोई मौका नहीं है। लेकिन किवो ने जो है एक ऐसा इतिहास रचा है कि आपके बाद आपके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे जो हैं इसको हमेशा ही अपने साथ रख पकते हैं, इसके उसको जो है किवो बिजनेस को जो हमेशा ही वो उसमें संलग्न रह सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि एमडी साहब ने कहा है कि अभी हम जो ग्लोबलाइज कर रहे हैं, एक ऐसा कोड दे रहे हैं
जिसमें जो है हर व्यक्ति को जो है, हर पीढ़ी को जो है इस बात का पूरा पूरा मौका मिलेगा कि वो जो है 100 नहीं, 200 नहीं, 400 नहीं, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक जो है वो जिंदा रहेगा गिव अप बिजनेस जो है, और इसका जो है हर पीढ़ी इसका मालिक बन सकती, इसका जो है भागीदार बन सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने 12 साल के मेहनत को बहुत ही कष्ट होकर झेला है, वो शारीरिक रूप से अपंग भी हो गए थे, फिर भी उन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा और रात दिन मेहनत किया, और आज उसका जो फल है सभी परिवार के सदस्यों को पता है कि किस प्रकार से वो उसका सुख भोग रहे हैं, उसका मीठा फल भोग रहे हैं। वो कहते हैं कि पैसा जो है आता है जाता है, मगर हमारे जो काम हैं, हमारे जो क्रियाकलाप हैं, ऐसे होना चाहिए कि इतिहास बन जाए आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए, यानी जब तक सृष्टि है एक याद बन जाए, और इसीलिए वो जो हैं कि वो के नाम से, अपने बेटे के नाम से इस बिजनेस को जो है आगे लेके चल रहे हैं, और वो सफल भी हो रहे हैं, हम भी सफल हो चुके हैं, और आने वाली पीढ़ी भी इसमें सफल होकर रहेगी। साथियों, उन्होंने आगे ये भी कहा है कि अक्सर जो है व्यक्ति फॉलोअर बन जाता है, फॉलो करने का हैबिट बना देता है, फॉलो करके ही वो अपने जीवन को यापन करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, लेकिन क्रिएटिव बनना नहीं चाहता है। फॉलोअर बनने से कभी ना कभी जो है फॉलोअप रुक जाता है और वो हार जाता है, और फिर वापस अपने जहाँ से चला था वहाँ वापस आ जाता है, और फिर उसके हाथ में जो था वो गंवा देता है, और जो आया था वो भी गंवा देता है। तो MD साहब कहते हैं कि क्रिएटर बनिए, क्रिएटर बन के ही आप जो हैं आगे बढ़िए, ताकि लोग जो हैं आपको याद रखें, इतिहास गवाह हो कि आपने कुछ ऐसा किया था कि लोग जो हैं आज भी आपके बनाए क्रिएट किए गए साधन के द्वारा जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, जी रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि कई एक जो हैं बड़े बड़े स्मार्ट, जिसको हम स्मार्ट कहते हैं, बहुत बुद्धिजीवी कहते हैं, बड़े खुद को माने दूसरे से कम नहीं समझते हैं, ऐसे लोग जो हैं आज भी जो हैं MD साहब को जो है, हमारे के भी MD साहब को जो है, किलपति वेंकट राव जी को जो है निंदा करते हैं, उनको कम आंकते हैं, और अभी भी जो है उनको कहते हैं कि आपने तो क्रिप्टो नहीं बनाया। MD साहब ने अपने विचारों में शुरू से यही कहते हैं कि क्रिप्टो उन्होंने नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने हमेशा ही कहा है कि बिटकॉइन जो है मदर ऑफ क्रिप्टो कॉइन, उन्होंने हमेशा ही सम्मान दिया है बिटकॉइन को, और वो जो हैं ये नहीं कहते कि क्रिप्टो को उन्होंने बनाया है, लेकिन उन्होंने जो क्रिप्टो का रूपांतर किया है, क्रिप्टो का जो रूप बनाया है वो एक अनोखा है, और उसका कॉपी करना या उसको फिर से किसी के द्वारा बनाना बहुत ही मुश्किल है, लगभग असंभव है। यही कहते हैं कि आप क्रिएटर बनिए, दुनिया को दिखाइए आप क्या हैं, और फॉलोअर बने रहेंगे तो हमेशा फॉलोअर बनते रहेंगे, गिरते रहेंगे, उठते रहेंगे, हासिल कुछ नहीं होगा, सब गंवा देंगे, और इतिहास गवाह है कि लोगों ने गंवाया है, कुछ बनाया नहीं है, सिर्फ वही जो क्रिएट किया है वही कुछ बहुत कुछ कमाया है, और वही जो है आगे बढ़ा हुआ है। तो साथियों, ध्यान दीजिएगा कि वो ने जो है हमेशा ही एक अलग से अपना रूप धारण किया है दुनिया में,
और वो बहुत ही सफलता से आगे बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि हर किसी व्यक्ति को क्रिएटर बनना चाहिए, क्रिएटर बन के ही वो आगे बढ़े तो कई एक लोगों को ज़िंदगी दे सकता है, कई एक लोगों के घर में चिराग बन के जल सकता है और कई एक लोगों को जो है वो गरीब से अमीर भी बना सकता है। वो ये भी कहते हैं कि हर क्रिएटर को जो है वो उन्होंने न्योता दिया है कि वो आ जाए और उनसे जो है प्रतियोगिता करे और वो उस प्रतियोगिता में जो है MD साहब कहते हैं हमेशा अव्वल दर्जे में रहेंगे, नंबर एक में रहेंगे। कोई भी क्रिएटर, 1,000 हो 2,000 3,000 क्रिएटर, जो भी प्रोडक्ट लेके आएगा उनके सामने उससे अच्छा प्रोडक्ट जो है वो बनाकर दिखाएंगे, ये उनका कहना है। और उनका ये भी कहना है कि अगर क्रिएटर्स जो हैं रहें तो समाज में लोगों की ज़िंदगी जो है सुधरेगा, लोग जो हैं गरीब से अमीर बनेंगे, लोगों को जीने खाने पीने का साधन जो है उपलब्ध रहेगा। और उन्होंने आगे कहा है कि कई एक निंदक जो हैं आज भी जो हैं कि वो बिजनेस के बारे में तरह तरह के अफवाह उड़ा रहे हैं, तरह तरह के जो हैं गलत फहमी फैला रहे हैं जनता के बीच, लोगों के बीच कि 31 मार्च के बाद जो है कि वो बिजनेस बंद हो जाएगा, कि वो बिजनेस जो है रुक जाएगा। MD साहब ने उसको बहुत ही हंसते हुए खेलते हुए उस बात को बहुत ही नकार दिया है, नज़रअंदाज किया और कहा है कि 31 मार्च के बाद जो है कि वो का एक और भयानक रूप जो है, माने भयानक रूप माने एक नया बहुत ही सुंदर और तेज रूप जो है आने वाला है, जिसमें जो है अभी तक जो बिजनेस देखा है लोगों ने उसका 10 गुना बिजनेस जो है आगे लोगों को दिखने वाला है, आगे लोगों को जो है उसका इनकम मिलने वाला है 10 गुना इनकम। यहाँ पे 300 प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, 300 प्रोजेक्ट्स में जो है हर व्यक्ति को एक माने चॉइस रहेगा कि वो किस प्रोजेक्ट में अपना एंट्री करे, किस प्रोडक्ट को अपनाए, किस प्रोडक्ट को जो वो खरीदे, किस प्रोडक्ट को बेचे। तो साथियों उन्होंने कहा है कि आने वाले 31 मार्च के बाद जो है किबो का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है और लोग जो हैं इसमें बहुत ही खुश होंगे, आनंदित होंगे और सुख अनुभव करेंगे। और उन्होंने आगे कहा है कि अगर किसी परिवार के सदस्य ने, किसी भी परिवार के सदस्य को चोरी किया, लूटा या सताया तो उसको वो बिना सजा दिए छोड़ेंगे नहीं। उनको पता है कि किस प्रकार से उस व्यक्ति को जो है कौम से बाहर निकालना है, परिवार की सदस्यता खत्म करना है उसको, उनको पता है। और किसी ने इसमें बहुत ही मेहनत किया और आगे बढ़ा तो उसको जो है वो अपने पूरे तन मन धन से सपोर्ट करेंगे और उनके साथ जो है वो आगे बढ़ेंगे कि वो बिजने के साथ। तो साथियों आइए, उनके विचारों को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है और भी विचार हैं उनके, उनको और भी आगे मैं आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ अपने सदस्यों को, प्रवर्ग सदस्यों को, किबो प्रवर्ग सदस्यों को कि MD साहब जो हैं एक नेक व्यक्ति हैं, यह हर कोई जो है अपने मन में निर्धारित कर सकता है और वो खुद के लिए ही नहीं दूसरों के लिए वो जीना चाहते हैं, करना चाहते हैं। और उन्होंने आज तक जो है दिया है मगर लिया किसी से नहीं। कई लोग कह रहे हैं कि 500 रुपये का जो है 3 करोड़ से गुना करके इतना कमा लिया है, लेकिन सही में देखा जाए तो हमारे पास जो अवार्ड रिवार्ड जब आते हैं
उनका सही आकलन किया जाए, सही गुणाभाग किया जाए, तो 500 रुपये में उनके पास कुछ भी नहीं बचता है, वो सारा का सारा पैसा बांट देते हैं। लोग कहते हैं कि MD नहीं है, CEO नहीं है, किसी कंपनी में 100% डिस्ट्रीब्यूशन है और उसके ऊपर भी विश्वास नहीं होता लोगों को। लेकिन यहाँ पे आपसे मैं कहूँ कि हमारे MD साहब हैं कि वो के CEO हैं, लेकिन सही में देखा जाए तो यहाँ पे 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक एक पैसा का जो है वो वापस करते हैं, एक एक पैसे को जो है वो हिसाब करके हर किसी हकदार व्यक्ति को जो है वापस कर दे रहे हैं, कर देते हैं। तो साथियों आइए आगे बढ़ते हैं और कि वो बिजनेस को जो है दुनिया पूरे में जो है फैलाने के लिए अपना सहयोग समर्पित करते हैं। उन्होंने अपने आवाज़ में परिवार के हर सदस्य को धन्यवाद बोला है, उनकी बुरी बुरी प्रशंसा की है और उन्होंने कहा है कि वो हर किसी के ऋणी हैं कि उन्होंने जो है कि वो बिजनेस में अच्छा योगदान दिया है और कि वो बिजनेस में जो है बहुत ही काम करके इसको ऊंचा लेकर जाने का संकल्प अपनाया है। आइए साथियों तिरंगे झंडे की जो लहराने की आवाज़ है उस आवाज़ की तरह हमारा कि वो झंडा भी आगे आगे लहराएगा, पूरे दुनिया में इसका आवाज़ गूंजेगा और हर किसी के धड़कन की आवाज़ जो है कि वो तिरंगे की आवाज़ से मिलकर रहेगी, ये उनका कहना है। तो साथी आइए आगे बढ़ते हैं और एक नई दुनिया, एक नया संसार हम आगे बढ़ के रचते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। చివరిగా నేను ఇది సిఇఓస్ గ్రూప్లో పెట్టలేదు, ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇదంతా మళ్ళీ నాకు పెట్టడం కావదు, మిగతా గ్రూపులు అన్నింటికి ఇస్తాను, 30 సిఇఓస్ గ్రూప్సే కాక చాలా ఉన్నాయి మన దగ్గర, మీరు మళ్ళీ అందరికీ తీసుకెళ్ళండి, ఎందుకంటే ఈ సిఇఓస్ గ్రూపు 272 సిఇఓస్ గ్రూపు వాళ్ళకి అన్ని గ్రూపుల్లో ఉన్నారు వాళ్ళు, కాబట్టి అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఎలా పెట్టేస్తున్నాను, ఇది అందరికీ పంపించండి, మనందరి తాలూకా భవిష్యత్తుకు ఒక రూట్ గురించి నేను ఇప్పుడు మాట్లాడాను, ఓ నమ్మకం గురించి నేను మాట్లాడాను, ఇంకా అద్భుతమైనటువంటి ప్లాన్స్ ఉన్నాయి, మనం చేసుకుంటూ పోదాం. జై హింద్, జై కివో, జై భారత్, జై 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 హింద్, జై భారత్. జెండా, ఇండియన్ జెండా ఎగురుతున్న ఆ రెపరెపలాడే ఆ శబ్దం చాలు, మన గుండె అద్భుతంగా కొట్టుకుంటుంది, ఆ శబ్దం చాలు, ప్రపంచం అంతా వెనబడేలా చేద్దాం, వెల్కమ్, రండి, లవ్ యూ డాడీస్.